हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, किए हुए वादों के मुताबिक सीबीएसई क्लास टेंथ वालों के लिए क्लास टेंथ मैथ का कंप्लीट रिवीजन, और आज हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से जो क्वेश्चन हमने लिया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो इसमें देखिए, आप ये ट्रायंगल चैप्टर से है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के ट्रायंगल को पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसमें ये डे वन है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन ए फिगर, आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझना है, फिगर अगर दे भी दे तो इसको अभी नहीं देखना है। देखिए क्या कह रहा है, इन द फिगर हटाइए, एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी अगर ये फिगर नहीं देता तो क्या करते, ये देखिए एक ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करते और सिंपली जो हम लोग नेमिंग करते वो इस तरह से करते। बोले कोई दिक्कत है, ए बी सी कह रहा है कि एल्टीट्यूड ए डी लेना है, दैट मीन्स ए से एक एल्टीट्यूड डालेंगे, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ये हो गया हमारा ए डी, एंड सी ई भी एल्टीट्यूड है, यानी सी से एल्टीट्यूड डालने का मतलब अपोजिट साइड पे 90 डिग्री, ये हमारा हो गया सी ई। तो इस तरह का फिगर बनता अगर फिगर इस तरह से नहीं दिया हुआ रहता। तो कह रहा है कि एडी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ, यानी ये जो हमारा एल्टीट्यूड है वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहां पे हमारा पॉइंट है ओ। देखिए बच्चों, ओ पे नहीं, पी है, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये पॉइंट हमारा है पी। ओके, तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए ए बी डी एंड सी बी ई दोनों को प्रूफ करना है। देखिए अब यहां पे हम लोग ढूंढेंगे, तो ये फिगर इस तरह से बना लेते और ए बी डी कहां है, देखिए ए बी डी ये वाला ट्रायंगल एंड सी बी ई यानी सी बी और ई ये वाला ट्रायंगल को प्रूफ कर लेते। तो अगर फिगर नहीं रहता तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमने सिखाया, अभी हमारे पास फिगर दिया हुआ है तो इसको अब मैं मिटा दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये गिवन है और हम लोगों को प्रूफ करना है। तो बच्चों आप कमेंट करके हमको जरूर एक बात बताइएगा कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आपको फेस करने होते हैं वो है कि सर कौन सा ट्रायंगल लेके चलें और उसको प्रूफ करें, यही समझ में नहीं आता है। कभी हम ए बी सी डी ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो ट्रायंगल आपको प्रूफ करने के लिए दिए, जैसे यहां पे दिया हुआ है ए बी डी, उसी को लेकर चलेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप स्टार्ट कर दीजिए, पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट करते चलिए। देखिए लिखना है इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिया है ए बी डी, ये सिमिलर को हटा के यहां पे एंड लगा देना है, ध्यान देना है। उसके बाद ये ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल सी बी ई, ये दो ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं, यहां पे हमारे पास है ए बी डी, कहां है देखिए ए बी एंड डी, इसको बना लीजिए आप रफ में। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ए डी बी एक को हमने बना लिया, आप गलती क्या करते हैं, इसी फिगर के अकॉर्डिंग दूसरा ढूंढ के उस स्टाइल में बनाते हैं। मैं कहूंगा नहीं, ये गलती नहीं करना है, आप इसी तरह का एक और फिगर बना लीजिए। ओके, चलिए फिगर बना लिए, अब क्या है वो सी बी ई, क्या नेमिंग में कर दूं सी बी ई, तो नहीं, सी बी ई नेमिंग नहीं करना है। अब क्या करना है, देखिए आप देखेंगे कि सी बी और ई में, यहां देखिए बी दोनों में है, देखिए यहां भी बी है तो यहां पे बी रखिए।
ओके दोनों में था। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री ई के पास है और यहाँ पे 90 डिग्री डी के पास है, यानी यहाँ डी हमारा 90 डिग्री है, तो इस जगह बनाइए जहां 90 डिग्री है ई, ये हमारा ये फिगर है। देखिए सी बी ई में बी और ई ले लिए तो ये हमारा क्या बना, सी बना। इस बात को अगर आप समझ पाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये तरीका है जो कि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ये दो बात अगर आप सीख पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं बेसिक के एक सीरीज में आपको मैं बता दूंगा, आप हमें जरूर कमेंट करें। ओके ये हो गया ए इक्वल टू एंगल सी, इसमें लिखेंगे ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों है ये इक्वल, रीजन देना बहुत ही जरूरी है। देखिए ए वाला सी के इक्वल है, कोई रीजन हमारे पास नहीं है, कोई रीजन है देखिए कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी ए इक्वल टू सी हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ओके देखिए और क्या है हमारे पास, देखिए बी दोनों का कॉमन है, यहां भी बी है और यहां भी बी है और कॉमन है, दैट मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल बी लिखेंगे और लिखेंगे कॉमन एंगल। चलिए नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, ये देखिए डी यहां भी 90 है और यहां भी 90 है, दैट मीन्स एंगल डी के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ए डी बी, लिखना पड़ेगा ए डी बी इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा यहां सी ई बी, क्या लिखना पड़ेगा इक्वल टू एंगल सी बी ई इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। जब हम लोगों को सिमिलर क्रिटेरिया दिखाना हो तो हम लोग एंगल एंगल प्रॉपर्टी सबसे इजी वे में लगा सकते हैं, यहां टू एंगल हो गया तो बस आगे नहीं बढ़ना है, लिखेंगे बाय ए ए सिमिलर क्रिटेरिया। आप कहेंगे कि सर और एक एंगल दिखाइए, तो वो नहीं लिखते हैं क्योंकि इजी सबसे अच्छा ये होता है प्रॉपर्टी से। क्या होगा देखिए ट्रायंगल जो लिए थे ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई और ये हो गया हमारा। ओके तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है पी डी सी, चलिए कहां है यहां पे, देखिए पी डी सी ये वाला ट्रायंगल है, चलिए उसी शेप में बना दो या फिर सिंपल वाला बना दीजिए, ऐसे ही बना देते हैं। चलिए एक ट्रायंगल है, अपने मन से नेमिंग कर देंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दे देना है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि यहां देखिए 90 डिग्री है तो एक सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, डी के पास 90 डिग्री है तो इधर डी दे देंगे, इधर कुछ भी दे देंगे, अगर यहां हमारे पास पी डी सी है तो यहां पी दे देंगे सी दे देंगे, पी डी सी एक ट्रायंगल बन गया। तो सिमिलरिटीज दिखाना है तो सेकेंड ट्रायंगल भी इस तरह से बना देंगे। राइट एंगल देख लीजिए बी ई सी में कहां है, बी ई सी कहां है, बी ई और सी में यहां से यहां तक में देखिए ई एंगल 90 डिग्री है तो ई इधर दे दिए। ओके अब देखिए इस दोनों में सी कॉमन है, देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे सी है छोटे वाला का भी इसका भी है और सी है हमारा ये इसमें बड़े वाले का भी, सी ही कॉमन है ये वाला, दैट मीन्स सी दोनों का कॉमन है तो सी यहां ले लेंगे। अब बचा क्या बी ई सी में, यहाँ पे बी बचा, तो इस तरह से नेमिंग जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, चलिए देखिए हमारे पास है डी और ई इक्वल है, डी देखिए यहां कंबाइंड है, यहां देखिए फिगर में देखिए डी क्या है यहां पे, इस पे इधर वाला भी ट्रायंगल बन रहा है और इधर वाला भी ट्रायंगल बन रहा है, जब ऐसा हो तो हम लोगों को थ्री लेटर्स में लिखेंगे, तो चलिए इसको लिखेंगे डी को पी डी सी,
एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल, इसमें देखिए क्या लिखना पड़ेगा, बी ई सी, क्या लिखेंगे, बी ई सी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। फर्स्ट केस, जब एंगल हो तो दो ही दिखाएंगे, और सी देखिए दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी और अकेला है, नहीं अकेला है सी, यहां देखिए सी पे भी दो एंगल है, यहां एक और दो, ये दो एंगल है, इसीलिए हम लोग सी को भी लिखेंगे पी सी डी, क्या लिखेंगे, एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ई, बी सी ई, है ना, क्या हो गया ये कॉमन एंगल हो गया, हो गया। तो बस बाय ए ए सिमिलर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल दिस जो प्रूव करना था पी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, और ये प्रूव्ड हो गया। ओके, यहां पे देखिएगा हमारे पास पैरेलल साइड दिया हुआ है, टू पैरेलल साइड का पेयर दिया हुआ है, और प्रूफ हम लोगों को करना है, क्या करना है देखिए, बी एफ बाय ई एफ। चलिए जब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे बी एफ है, यहां देखिए बी से एफ ये वाला है ना, और एफ ई है, कहां है, एफ ई है, देखिए एफ से ई है, देखिए एक ही तरफ का साइड का रेशियो, आप जानते हैं ये थ्योरम, इसी को तो बीपीटी कहते हैं, ध्यान दीजिए ये वाला, देखिए दिस आप जानते होंगे ये फिगर, ये वाला बीपीटी इसको बोलते हैं, आप पढ़ लिए होंगे, देखिए जब ए डी एक ही साइड के पार्ट का रेशियो इक्वल होता है इसके दूसरे तरफ के पार्ट का रेशियो, इसको बीपीटी कहते हैं, और यहां वही प्रूफ करने दिया है, ये देखिए बी ई कहां है, देखिए बी से ई यहां से यहां, और क्या है ई से सी ये यहां से यहां, देखिए उसी का रेशियो है, समझ में, ये वाला फिगर, जब ऐसा हो तो बीपीटी लगाएंगे हम लोग। बीपीटी लगाने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट देखना है, और ये पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल यहां दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ, वो कि हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले, इसमें देखिए 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5 ट्रायंगल है, क्या करे, समझ में आया, 5 से ज्यादा ही ट्रायंगल है इसमें। ओके, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल लेने के लिए हम लोग डीई और एसी पे ध्यान देंगे, पहले पेयर को देखेंगे जो पैरेलल दिया हो, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे DE पैरेलल टू AC, चलिए DE कहां है, देखिए DE पैरेलल टू AC ये दिया हुआ है, अब आपको कुछ लाइन नहीं देखना है, कोई भी लाइन नहीं देखना है, DE और AC को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल है ना वो ये वाला है, बाकी जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है वो नहीं देखना है, तब क्या करेंगे, लिखना होगा इन ट्रायंगल, कौन वाला ट्रायंगल हुआ, आप समझ पा रहे, देखिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, अगर इससे ट्रायंगल बनाएंगे तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, क्या वही यहां हुआ, जो पैरेलल दे उसी को ज्वाइन करने वाला ट्रायंगल बने। आप कहेंगे कि सर और कोई ट्रायंगल नहीं बनता, तो बिल्कुल भी नहीं बनता, सीख जाएंगे मेरा कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए देखिए इन ट्रायंगल, अब हमें पता चल गया है कि ए बी सी लेंगे, इसमें देखिए लिखेंगे सिंस ये गिवन है डी ई पैरेलल टू ए सी, ये पैरेलल है, ये जब पैरेलल है तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी लगा सकते हैं। ओके, देखिए बच्चों बीपीटी कहता है कि किसी ट्रायंगल में कोई ले लीजिए पॉइंट, और वो लाइन दूसरे तरफ भी इस तरह से ज्वाइन हो, दो बात हुआ,
एक यहां पॉइंट लेना है, दूसरा यहां पे पॉइंट लेना है, इसको ज्वाइन कर देना है। अगर ऐसा किया हुआ है तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी अगर ये डी और ई है और ये बी सी है, तो ये दोनों अगर हो तो देन क्या होगा, डी ई पैरेलल होगा बी सी का। जब पैरेलल दिखाना हो तो ये हमारा बीपीटी कहलाता है। और इसके कन्वर्स में चले जाइए, अगर आपको ये नहीं दिखाना हो, ये गिवन हो यानी इधर से उल्टा हो, तो ये कन्वर्स थ्योरम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ओके, दैट मींस हो गया हमारा, ये गिवन है तो लिखेंगे कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहता है, अगर ऐसा है तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिए, यह फिगर ऐसा है तो इसके छोटे वाले पार्ट का रेशियो इसके इधर वाले पार्ट के इक्वल होगा। दैट मींस क्या होगा, बी ई दिख रहा है, बी से ई यहां वाला और इसका रेशियो क्या, सी ई का रेशियो इक्वल होगा इस तरफ में बी डी, तो बी डी बाय क्या होगा ए डी, दैट इज ए डी। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन वन, ओके। बस ये पैरेलल होगा तो ये बातें होंगी, आप इसको ध्यान रखिए। फिर से हमारे पास पैरेलल है दूसरा पेयर ऑल्सो, क्या गिवन है हमारे पास, डी एफ इज पैरेलल टू क्या है ए ई। ये देखिए ये पैरेलल है तो इसी को देख के हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, डी एफ कहां है, देखिए ये डी एफ ये वाला है, ये वाला डी एफ, और ए ई कहां है, ए ई। देखिए हमने अभी जस्ट बताया, इस तरह जब दो लाइन हो तो इधर से इसको मिलाइए छोटे साइड तरफ, छोटा साइड तरफ आप इस तरह मिलाइए, यानी ये दो साइड इस तरह पैरेलल हो तो बड़े वाले से छोटे वाले को मिलाइए, देखिए कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये बन रहा है ए बी और ई, तो उसी ट्रायंगल को लेना है, लिखेंगे ऑल्सो दिस, तो इन ट्रायंगल लेना पड़ेगा क्या, ए बी ई। आप समझ पा रहे हैं ए बी ई में क्या करना होगा, तो आप जानते हैं ए बी ई में सिंस डी एफ इज पैरेलल टू, डी एफ इज पैरेलल टू क्या है हमारा ए ई, तो यहां भी हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप लिख लेंगे, कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी कहता है कि छोटा और ये छोटा का रेशियो इसके इक्वल के होता है, ओके। तो चलिए क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ बाय ई एफ, ठीक है। देखिए यहां पे दिया है बी एफ बाय एफ ई, तो ये थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखना चाहिए, क्या हो जाएगा एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू बी डी बाय डी ए, ओके। चलिए बी डी बाय ए डी हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। आप देखेंगे जब इक्वेशन वन और टू को कंपेयर कीजिएगा तो इसका राइट तरफ क्या है, इक्वल है, यहां देखिए ये वाला इक्वल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिख लीजिए, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्या हो जाएगा, जब राइट साइड इक्वल हो तो उसको राइट नहीं करेंगे, और लेफ्ट साइड भी इक्वल होता है, इतनी सी बातें तो आप जान रहे होंगे। तो बी ई बाय सी ई इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी, सी नहीं ई, देखिए यही है हमारा बी ई बाय ई सी, यही हुआ यहां पे इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी, ये हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, फर्स्ट क्लास कैसा लगा आप लोगों को ये हमें जरूर बताएंगे कमेंट करके, और
जल्द ही आपको बेहतरीन वीडियो मिलेगा, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको जल्द ही इंग्लिश का भी वीडियो मिल जाएगा, तो बैक टू बैक आपको मैथ और इंग्लिश का क्लास मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए आज ये हमारा फर्स्ट क्लास डेमो के रूप में समझिए। कंप्लीट मटेरियल के साथ आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।